हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार आपके अपने चैनल मैथ से दोस्ती में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, टाइम एंड वर्क चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो फ्रेंड्स, टाइम एंड वर्क चैप्टर में स्त्री पुरुष और बच्चे वाला क्वेश्चन देखा जाता है। तो आइए हम लोग इस सेशन में हम लोग इसी टाइप का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो क्या लिखा हुआ है, एक पुरुष एक स्त्री तथा एक लड़का किसी काम को क्रमशः 20 दिन तथा 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो दो दिनों में काम खत्म करने के लिए दो पुरुषों तथा 8 स्त्रियों के साथ कितने लड़कों की जरूरत होगी। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक पुरुष एक स्त्री और एक लड़का का दिया हुआ टाइम समय दिया हुआ कि 20 दिन रहते हैं 30 दिन रहते हैं और 60 दिन में काम खत्म कर देते हैं। उसके बाद तो दो दिनों में काम खत्म करने के लिए कंडीशन दिया हुआ है कि दो दिन में काम को खत्म करना है। और काम कौन कर रहा है, तो दो पुरुष काम कर रहा है और 8 स्त्री काम कर रहा है। तो पूछ रहा है कि इसी काम को करने के लिए कितने लड़कों की आवश्यकता होगी। तो फ्रेंड, इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले वन मैन पुरुष है यानी वन मैन, तो मैन कितना दिया हुआ है, मैन कितना दिन लेता है, एक आदमी 20 दिन लेता है 20 डेज। ओमेन कितना दिन, एक ओमेन, तो ओमेन लेती है 30 दिन 30। और बच्चे कितना दिन लेते हैं, लड़का बॉय, तो एक लड़का यानी बॉय कितना दिन, 60 दिन में काम को समाप्त कर सकते हैं। यहाँ हम वन मैन नहीं लिखे क्योंकि मैन लिखी हुई है तो वन मैन होगा, वन वोमेन और वन बॉय कितना दिन, 60 दिन, वोमेन 30 दिन और वन मैन 20 दिन। तो अब सबसे पहले क्या करना है, हमें टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, तो टोटल डेज के एलसीएम लेते हैं, 20 30 और 60 का हम लोग एलसीएम लेंगे। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा हमारा, 20 30 60 का कितना हो जाएगा, तो 60 टोटल वर्क हमारा कितना है, 60 आ गया। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इफिशियंसी यानी कार्य क्षमता निकालते हैं। कार्य क्षमता को क्या बोलते हैं, वन डेज वर्क बोलाते हैं उसको। एक दिन का काम हमारा कार्य क्षमता होता है उसी को हम इंग्लिश में इफिशियंसी बोलते हैं। तब हम लोग इफिशियंसी कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल टाइम यानी ए का कितना हो जाएगा, 60 डिवाइड बाय 23 हो जाएगा और ओमेगा का कितना हो जाएगा, 60 डिवाइड बाय 30 तो 2 हो जाएगा और 60 डिवाइड बाय 60 यानी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी मैन एक आदमी है जो एक दिन में 3 काम कर रहा है, एक ओमेन है एक औरत है जो एक दिन में 2 काम कर रही है और एक बॉय है जो एक दिन में 1 काम कर रहा है। यहाँ तक समझ में आपको आ गया। अब क्वेश्चन के मुताबिक क्या बोल रहा है, तो दो दिनों में काम खत्म करने के लिए दो पुरुष तथा 8 स्त्रियों के साथ कितने लड़कों की आवश्यकता होगी। क्या बोल रहा है, दो पुरुष यानी 2 मैन प्लस में 8 स्त्री यानी 8 ओमेन प्लस में बॉय की संख्या नहीं दिया हुआ, बॉय की संख्या हमें निकालना है। यानी हम लोग बॉय की संख्या क्या मानते हैं, एक्स मानते हैं और बी क्या हुआ, इफिशियंसी हुआ बॉयज का, एम क्या हुआ, इफिशियंसी हुआ मैन का आदमी का, डब्ल्यू क्या हुआ, इफिशियंसी हुआ ओमेन का डब्ल्यू और बॉय का कितना हो गया, तो बॉयज का नंबर हम लोग एक्स माने हैं और इफिशियंसी बी माने हैं। और कितना दिन में करना है, तो दो दिन में क्या लिखा हुआ है, तो दो दिनों में काम को समाप्त करना है, दो दिन में इंटू 2 बराबर कितना है, टोटल वर्क कितना हमारा आया, टोटल वर्क हमारा 60 आया। कितना आया हमें टोटल वर्क, टोटल वर्क हमारा 60 आया, इसके हमको इक्वल करना होगा 60। अब क्या करना होगा, हम लोग सॉल्व करेंगे, एम का वैल्यू डब्ल्यू का वैल्यू बी का वैल्यू कुछ पुट कर देंगे और हमारा एक्स का वैल्यू आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं 2 से मल्टीप्लाइड है, यहाँ 60 है, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा यानी 30 आ गया। कितना आ गया, 30 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, मैन का कितना वैल्यू है, तो मैन का एम का वैल्यू कितना है, 3 है, तो 2 × 3 प्लस W का कितना वैल्यू है, तो W का वैल्यू 2 है यानी 8 × 2 प्लस X B, B का वैल्यू कितना है, 1 है यानी X × 1 बराबर 30। तब हम क्या करेंगे, 3 × 6 6 और 16 16 6 22 यानी 22 प्लस X बराबर 30। तो X का वैल्यू कितना आ जाएगा, 30 − 22 कितना आ जाएगा, तो 30 − 22 यानी X का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 यानी नंबर ऑफ बॉयज कितना है, 8 बॉयज है। कितना बॉयज है, तो 8 बॉयज है। हमारा वैल्यू कितना आ गया, तो 8 हमारा आंसर हो गया। कितना आंसर हुआ, तो 8 बॉयज हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स, हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, उसी पैटर्न पे आइए हम लोग देखते हैं अब दूसरा क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 10 महिलाएं यानी 10 औरत है जो किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकती हैं, 6 पुरुष उसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी 10 महिलाएं हैं जो 6 दिन में पूरा कर सकती हैं काम, उसी काम को, और उसी काम को 6 पुरुष जो 5 दिन में काम कर सकते हैं तथा 8 बच्चे उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं।
और क्या देगा कि 8 बच्चे उसी कार को 10 में पूरा कर सकता है। उसके बाद क्रमशः एक महिला एक पुरुष तथा एक बच्चे की क्षमता का अनुपात क्या है, तो क्या निकालना है, इफिशियंसी निकालना है, मैन का, वोमेन का और चाइल्ड का, तो हम लोग निकाल सकते हैं। आइए हम देखते हैं कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले 10 महिला है यानी 10 वोमेन, 10 इंटू डब्ल्यू क्या हो जाएगा, 10 नंबर ऑफ महिला कितना 10 है, डब्ल्यू क्या हो गया इफिशियंसी हो गया वोमेन का, और कितना दिन में तो 6 दिन में, यानी ये हमारा टोटल वर्क हो गया, नंबर ऑफ वोमेन इंटू इफिशियंसी इंटू डेज, ये हमारा क्या हो गया टोटल वर्क हो गया, ये बराबर है किससे, तो 6 पुरुष यानी 6 इंटू पुरुष का एम मान लेते हैं इफिशियंसी इंटू मैन कितना दिन तो 5 दिन इंटू 5, ये बराबर है, ये भी बराबर है, ये हमारा क्या आ गया, ये टोटल वर्क आ गया, ये भी टोटल वर्क, दोनों बराबर है। और क्या हो रहा है 8 बच्चे यानी नंबर ऑफ चाइल्ड कितना हो गया 8 हो गया इंटू उसी कार्य को 10 दिन में करते हैं कितना दिन में, तो सी क्या हो गया इफिशियंसी हो गया और कितना दिन में 10 दिन में, तो हमारा कितना हो गया तीनों हमारा टोटल वर्क सेम हो गया। तो हमें क्या करना है, तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं यानी 60W इक्वल टू 30 एम इक्वल टू 83, यानी हम आप देख रहे हैं कि सब में क्या है 10 कॉमन है, 60 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 10 इंटू 6, 30 कैसे लिख सकते हैं 10 इंटू 3 और 80 को कैसे लिख सकते हैं 10 इंटू 8, यानी 10 कॉमन है, 10 हम लोग कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 6W बराबर 3M बराबर 8C, कितना आ गया हमारा तो 6W बराबर 3M बराबर 8C। अब हमें क्या निकालना होगा, तो हमें जो क्वेश्चन में बोल रहा है क्या बोल रहा है कि क्रमशः एक महिला एक पुरुष तथा एक बच्चे की क्षमता का अनुपात क्या है, तो आराम से निकल जाएगा अनुपात, कैसे निकलेगा तो आइए लिखते हैं वोमेन रेशियो मैन रेशियो चाइल्ड, आपको कुछ नहीं करना है, वोमेन का निकालना है तो वोमेन का ढक दीजिए और 8×3 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमारा रेशियो आ जाएगा, जैसे वोमेन का हमें चाहिए नंबर कि ओमेन कितना है कितना इफिशियंसी है, तो ओमेन के नंबर को ठक दीजिए और जो बचा हुआ है 8×3 उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना हमारा आ गया 24 आ गया। अब मैन का निकालना है तो मैन को ठक दीजिए मैन को ठक दीजिए और 8×6 है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना आ गया 48 आ गया। अब चाइल्ड का निकालना है तो चाइल्ड को ठक दीजिए 6×3 मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना आ गया 18 आ गया 18। अब क्या करना है तो अब इसको छोटा कर दीजिए, रेशियो का मतलब क्या होता है सबसे छोटा अंक, यानी अब हम इससे डिवाइड करें 3 से करते हैं 3×24 3×3 3×18 और 18 3×9 3×18 यानी कितना हमारा आ गया 3×24 हो गया और 3×16 हो गया और 6 हो गया। अब भी कटेगा 2 से कट जाएगा 2×8 2×16 2×6 यानी कितना हमारा आ गया 4:8:3 यानी हमारा वोमेन का कितना आ गया इफिशियंसी 4 आ गया और मैन का कितना आ गया एक आदमी का तो 8 आ गया और चाइल्ड का कितना आ गया 3 आ गया। तो फ्रेंड यहाँ पर 1 छुपा हुआ क्या है, वहाँ 1 छुपा हुआ है, सब में 1 छुपा हुआ है, तो 1 लिखे या नहीं लिखे बात बराबर है, हमारा कितना आ गया हमारा आंसर 4:8:3। हम लोग यहाँ डायरेक्ट कर सकते हैं किससे कर सकते हैं तो 6 से 6×24 6×8 48 6×3 18 यानी 6 से हम डायरेक्ट डिवाइड कर लेते तभी हमारे आंसर कितना था 4:8:3। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं ये वाला भी आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो हम लोग अब इस पैटर्न पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स उसी पैटर्न पे हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 5 पुरुष तथा 2 स्त्रियां मिलकर 1 पुरुष तथा 1 स्त्री के प्रति घंटे काम के चालीस काम करते हैं, तो क्या दिया हुआ है कि 5 पुरुष यानी 5×M M क्या हो गया इफिशियंसी हो गया किसका मैन का पुरुष का तथा 2 स्त्रियां यानी 2 W क्या हो गया इफिशियंसी हो गया वोमेन का ठीक है मिलकर क्या करते हैं तो 1 पुरुष यानी 1 मैन M क्या हो गया इफिशियंसी हो गया और 1 वोमेन यानी 1 वोमेन। अब क्या दिया हुआ है तो प्रति घंटे काम के 4 गुना काम करते हैं, कौन के 4 गुना काम करता है तो 5 मैन और 2 वोमेन मिलकर 1 मैन और 1 वोमेन से कितना गुना 4 गुना काम करते हैं, तो आपको वर्ग जो वर्ग दिया है 4 गुना काम उसको क्या करना होगा डिवाइड करना होगा यानी 4 से डिवाइड कर दिए, यहाँ हम कितना ले लिए 1 ले लिए, यहाँ हमारा वर्ग 1 है तो 4 गुना काम यानी 4 काम होगा 1×4 4, तो हमें क्या करना होगा वर्ग को जो दिया रहे उसको हम लोग डिनोमिनेटर में लिख लेंगे, बस इतना ही आपको करना है। उसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने कितना आ जाएगा
फाइव एम प्लस टू डब्ल्यू इक्वल टू फोर एम, ये फोर घंटा उधर हो जाएगा प्लस फोर डब्ल्यू, तो हमारा कितना आंसर आ गया, तो फाइव एम माइनस फोर एम कितना आंसर आ जाएगा, एम आ गया और एम आ जाएगा, एम बराबर कितना हो जाएगा तो फोर डब्ल्यू ये प्लस टू डब्ल्यू है उधर जाएगा तो माइनस टू डब्ल्यू, यानी एम बराबर टू डब्ल्यू आ गया, तो एम प्लस डब्ल्यू, एम प्लस डब्ल्यू कितना आ जाएगा हमारा, तो एम प्लस डब्ल्यू हमारा आ जाएगा टू इस टू वन, कितना आ गया टू इस टू वन आ गया, एम कितना आ गया हमारा दो आ गया और डब्ल्यू कितना आ गया तो वन आ गया, तो हमारा कितना आ गया एम इस टू डब्ल्यू टू इस टू वन, ये क्या हो गया हमारा एक्सेंस यानी कार्य क्षमता। अब क्वेश्चन में निकालना क्या है, तो एक स्त्री के काम एक और एक पुरुष तथा एक स्त्री के काम के अनुपात क्या होगा, तो यही निकालना, क्या निकालना है एक मैन और एक वोमैन यानी एक पुरुष और एक महिला का कार्य क्षमता का हमें रेशियो निकालना था, तो कितना आ गया हमारा टू इस टू वन आ गया, हमारा आंसर कितना हो गया दो रेशियो वन। तो फ्रेंड्स हम लोग अब इस पैटर्न पे और क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो आइए हम लोग अब सेशन की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक पुरुष एक स्त्री तथा एक लड़का मिलकर किसी काम को छह दिन में पूरा कर सकते हैं, तो दिया हुआ है कि एक स्त्री एक लड़का और एक पुरुष है जो काम को कितने दिन करते हैं मिलकर, तो छह दिन में। यदि एक पुरुष तथा एक स्त्री काम को क्रमश 10 दिन तथा 24 दिन में समाप्त करते हैं, फिर क्या दिया हुआ है कि एक पुरुष है जो किसी काम को अकेला उसी काम को अकेला 10 दिन कर सकता है तथा एक स्त्री है उसी काम को कितने दिन में 24 दिन में कर सकते हैं, और फिर शुरुआत में क्या दिया हुआ है कि एक पुरुष एक स्त्री तथा एक लड़का कितने दिन काम कर सकते हैं, तो 6 दिन में, ठीक है। उसके बाद तो एक लड़का कितने दिनों में काम समाप्त कर गया, ये हमें निकालना है। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले वन पुरुष यानी हम लोग सिर्फ मैन ले सकते हैं, मैन प्लस मैन वोमेन प्लस मैन बॉय कितना लेते हैं, तो 6, यहाँ वन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, वन मैन वन वोमेन वन बॉय वन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यानी मैन प्लस वोमेन प्लस बॉय कितना दिन, 6 दिन यानी 6 डेज। और फिर दिया हुआ क्या कि एक पुरुष यानी मैन कितना दिन लेता है, तो मैन इसी काम को करने के अकेला 10 दिन 10 डेज, और वोमेन एक औरत कितना दिन लेती है, तो 24 दिन 24 डेज। तो हम लोग अब क्या करेंगे, टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, हम लोग सबसे पहला काम क्या है टोटल वर्क निकालना, 6 10 और 24 का एलसीएम लेंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा एलसीएम, तो 120 कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। कैसे हम लोग निकाले, तो बड़ी संख्या का हम लोग मल्टीपल लेते हैं और देखते हैं कि जो बचा हुआ 6 और 10 वो किसे डिविजिबल होगा, यानी 24 बचे 120 आएगा जो 6 से भी डिविजिबल होगा और 10 से भी डिविजिबल होगा, तो कितना हमारा टोटल वर्क आ गया 120 आ गया टोटल वर्क। उसके बाद क्या करना है, इफिशिएंसी निकालेंगे कार्य क्षमता, तो इफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, तो टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल टाइम, तो कितना हो जाएगा हमारा तीनों का मैन प्लस वोमेन प्लस बॉय का कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा, और मैन का कितना आ जाएगा तो 12 हो जाएगा, 120 डिवाइड बाय 10 यानी 12 हो जाएगा, और वोमेन का कितना आ जाएगा तो 120 डिवाइड बाय 24 यानी 5 आ जाएगा, 5 आ गया। तो हम लोग यहां लिख लेते हैं कितना मैन का कितना आ गया, मैन का हमारा 12 आ गया, वोमेन कितना आ गया 5 आ गया, और सभी मिलकर कितना आ जाएगा मैन वोमेन प्लस बॉय कितना 20। तो हम लोग क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तो एक लड़का कितने दिनों में काम को समाप्त करेगा, यानी बॉय का क्या पूछ रहा है, बॉय का डेज पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है, तो टाइम कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल इफिशिएंसी यानी बी का इफिशिएंसी, तो बी का इफिशिएंसी हम लोग को निकालना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे, तो एम का कितना हो गया 12 हो गया इफिशिएंसी, और डब्ल्यू कितना हो गया 5 हो गया, तो बॉय कितना होगा यानी मैन प्लस वोमेन हमारा 17 हो गया, तो बॉय में कितना जोड़े 20 आ गया, यानी बॉय का इफिशिएंसी कितना होगा, तो बॉय का हमारा इफिशिएंसी 3 आ गया, कितना आ गया हमारा तो 3 आ गया, बॉय का इफिशिएंसी 3 आ गया। तो हम लोग कैसे हम बॉय का डेज निकाले, टोटल वर्क कितना हमारा टोटल वर्क 120, तो 120 डिवाइड बाय बॉय का इफिशिएंसी, बॉय का इफिशिएंसी कितना आया 3 आया, तो डिवाइड बाय 3 तो हमारा कितना आ जाएगा 40 डेज हमारा आंसर होगा, कितना होगा फ्रेंड्स 40 दिन हमारा आंसर होगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, तो हम लोग इस सेशन से लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हम लोग अब लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक पुरुष एक महिला तथा एक बच्चा किसी काम को क्रमशः 3, 4 तथा 12 दिन में कर सकता है, काम को 1/4 दिनों में खत्म करने के लिए एक पुरुष तथा एक महिला के साथ कितने लड़के अनिवार्य रूप से लगाए जाएंगे,
तो फ्रेंड्स आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो एक पुरुष यानी मैन का क्या दिया हुआ है, एक महिला वोमेन और एक बच्चे यानी चाइल्ड, कितना कितना दिन दिया हुआ है, तो 3 4 12 मैन 3 डे, वोमेन 4 दिन और चाइल्ड 12 दिन 12 डे। तो सबसे पहले क्या हम लोग करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे हम लोग, तो जो टाइम है उसका हम लोग एलसीएम लेंगे, यानी 3 4 12 का एलसीएम ले लेंगे। तो टोटल वर्क कितना होगा हमारा, 12 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इफिशियंसी यानी कार्य क्षमता, वन डेज वर्क, एक दिन में एक औरत है तो एक मैन कितना काम करता है, एक औरत कितना काम करती है और एक बच्चे कितना काम करता है, यानी इफिशियंसी कितना हो जाएगा हमारा, 12 / 3 यानी 4 हो जाएगा, 12 / 4 यानी 3 हो जाएगा और 12 / 12 यानी 1 हो जाएगा। तो क्या आ गया हमारा, एक आदमी एक दिन में 4 काम कर रहा है, एक वोमेन एक दिन में 3 काम कर रही है और एक चाइल्ड एक दिन में 1 काम कर रहा है। अब क्वेश्चन के मुताबिक क्या बोल रहा है, काम को 1/4 दिनों में खत्म करने के लिए, काम जो है उसको 1/4 दिन में खत्म करने के लिए एक पुरुष यानी वन मैन और एक महिला कितने बॉय क्या किया हुआ, कितने लड़के अनिवार्य रूप से लगाया, यानी लड़का की संख्या निकालना। एक मान लेते हैं लड़का की संख्या बी क्या हो गया, इसका इफिशियंसी हो गया, क्या हो गया, बी इफिशियंसी हो गया, एक्स हो गया नंबर ऑफ बॉय और बी कार्य क्षमता हो गया, कितना दिन में, तो 1/4 दिन में, और हमारा टोटल वर्क कितना है, तो 12 है, बराबर 12। तो हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देना और हमारा आंसर आ जाएगा। तो 1 × m कितना है हमारा, m का वैल्यू 4 है, यानी 1 × 4 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस 1 m प्लस 1 w, यहाँ 1 man और 1 w का हो रहा है, तो अब w कितना वैल्यू है, w का 3 वैल्यू है, 1 × 3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस में b का कितना वैल्यू है, तो b का हमारा जो बॉयज है, यहाँ बॉयज दिया हुआ है, तो हम लोग चाइल्ड को क्या मान सकते हैं, बॉयज मान सकते हैं, तो बॉयज कितना दिया हुआ, 1 दिया हुआ है, तो बॉयज की जगह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी x into 1 यानी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो x बराबर ये 4 है जो मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 से, तो कितना हो जाएगा, 48, 12 × 4 कितना होता है, 48 होता है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं, 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो x प्लस 7 बराबर 48 आ गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 48 - 7 यानी x के बराबर कितना आ गया, 41। तो हमने x क्या माना था, तो x हमने माना था नंबर ऑफ बॉय, इसकी नंबर ऑफ बॉय, बॉय की संख्या को हमने x माना था, तो x का वैल्यू कितना आ गया हमारा, 41, यानी हमारा आंसर कितना हो गया, 41 हो गया। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, कितने लड़के अनिवार्य रूप से लगाए जाएंगे, यानी 41 लड़के अनिवार्य रूप से लगाए जाएंगे इस काम में। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको आदमी औरत और बच्चे वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स आज की सत्र में इतना ही, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद पड़ा हो तो हमारे चैनल मैथ से दोस्ती को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।